होती थी अटक किले में, मुझे जब मेरे बच्चों से मिलाया जाता था तो मुझे हथकड़ी लगी होती थी। कहा जाता था कि इसको हथकड़ी उतारो, लेकिन तजलील के लिए हथकड़ी लगाई जाती थी। मुझे फख्र है कि मैंने पाकिस्तान की आवाम के हकूक के लिए अपने हाथों को हथकड़ी में जकड़ा। मेरी आंखों पे मेरा मफलर उतार के, मेरी आंखों पे मेरा मफलर उतार के जो है उसमें जो है पट्टी बांधी जाती थी। ये रब्बुल अज़्ज़त के करिश्मे हैं, उसकी कुदरत के करिश्मे हैं कि आज भी ख्वाजा आसिफ इस ऐवान में खड़ा है और मुशर्रफ कहां पे है। सबक लें इसे जनाबे स्पीकर, सबक लें, मेरे लिए भी सबक है, आपके लिए भी सबक है और जितने लोग इस ऐवान पे बैठे हुए हैं सबक लें। सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि हम तारीख से सबक नहीं लेते। आज भी जिसने भुट्टो का नाम मिटाने की कोशिश की, भुट्टो का नाम आज भी जिंदा है। जिसने नवाज शरीफ का नाम मिटाने की कोशिश की, नवाज शरीफ हमेशा जिंदा रहेगा। वो लोग खत्म हो जाएंगे जो नवाज शरीफ का नाम मिटाना चाहते हैं, नवाज शरीफ का नाम जिंदा होगा, जिंदा रहेगा, पाइंदा रहेगा। ये तारीख ने बार बार साबित किया है। तीन दफा वो वजीर आना जिन्होंने हटाया, उन्होंने कहा हमने खत्म कर दिया नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ बार बार आया, मेरा कायद बार बार आया, आवाम के वोटों से आया, कोई उसका रास्ता ना रोक सका। और फिर आएगा शेर, आएगा शेर, आएगा शेर, आएगा। जनाबे स्पीकर, मैं आपके लिए नहीं, अपने लिए नहीं, इस आवाम के लिए, इस सिस्टम के लिए इस्तदा करता हूं प्लीज के इंसाफ के तकाजे पूरे करें, इंसाफ के तकाजे पूरे करें। जिस सोसाइटी से, जिस मुआशरे से इंसाफ के तकाजे खत्म हो जाते हैं, इंसाफ की रवायात खत्म हो जाती हैं, वो मुआशरे जिंदा नहीं रहते।